लड़ रहे मरीज और डॉक्टर के लिए जापान ने रोबोट बना दिया, यानी कि ये रोबोट ही मरीज तक दवा पहुंचाएंगे या और भी जरूरी सामान। दरअसल कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तकनीक का विकास इस स्तर पर हुआ कि कम से कम नुकसान हो, लेकिन अब जापान वाले इस तकनीक का देसी जुगाड़ आपको दिखाते हैं। ये भारत है, यहाँ कितनी भी बड़ी तकनीक का जुगाड़ मिनट भर में बन सकता है। आप इस वीडियो को देखिए जिसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शेयर किया है। दरअसल ये बच्चों का टॉय ट्रेन है जिस पर ट्रे लगा दिया गया है और रिमोट से कंट्रोल करके इसे पेशेंट तक पहुंचाया जा रहा है। इस तकनीक के इस्तेमाल से डॉक्टर, नर्स और पेशेंट के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बना रहेगा। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जुगाड़ बहुत ही सस्ता है और इस्तेमाल के लिए भी आसान है।